हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे ए टू जेड नॉलेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11। वैसे तो मैं इस वीडियो को बढ़ाने में मूड में नहीं था, लेकिन बहुत लोगों की इच्छा थी और क्लास 11 के केमिस्ट्री का जो कि 13 मार्च को पेपर है, इस वजह से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी कुछ। और मैं आपके लिए 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री पार्ट वन के साथ। आप सोच रहे होंगे 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसे? 30 ईयर का एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि मैं इसे अपने सर से पूछ के आया हूँ, जो इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और दोस्तों, इसे लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ मैं, और सबकी एक्सरसाइज में से बताऊँगा। तो लेट्स प्ले शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यूनिट फर्स्ट जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये 5 मार्क्स का है। फर्स्ट आपने देखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 5 मार्क्स का है। इसमें अब बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमें बताना है। इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है, इसमें बस खाली बेसिक नॉलेज हमें केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी ये पता होगा कि क्लास 11th में जो केमिस्ट्री है वो बाहर से कुछ नहीं आता, बुक में से आएगा, एनसीईआरटी में से आएगा। आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से हो जाएगा सब चीज़। तो देखिए, इसमें चैप्टर वन में जो एक तो चार्ट होगा पेज नंबर फाइव पे जो चार्ट है, ये जो आपको पेज नंबर फाइव पे चार्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है पेपर के लिए। ओके दोस्तों, ये सब जो मीटर किलोग्राम लिखा है ये सब पढ़ लीजिएगा, और ये सिंबल और ऐसा यूनिट, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और हम सीधा वक्त ना गवाते हुए सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज की बात करें हम अगर इसकी, तो ये जो मैं रेड मार्किंग जितने भी कर रखा है क्वेश्चनों पे एक्सरसाइज में, उसको आप ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट का दर्जा दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था वीडियो शुरू होने से पहले, 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप लोग इसे मजाक में मत लेना क्योंकि मैं अपने सर से इसको शेयर करके आया हूँ और उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस बताया है। तो आपका एक्सरसाइज में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट इम्पोर्टेंट है 1.4, 1.8, 1.10 और ये 1.11 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बात करें हम अगले पेज पे, तो ये 1.25 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बात करें तो 1.33, 1.34, 1.25। दोस्तों, मैंने इसलिए आपको बुक से बताया क्योंकि इसमें बुक से मैं नहीं चाहता कि किसी को समझ में ना आए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता चला कि इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखे। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं यूनिट टू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि 6 मार्क्स का है, और ये फर्स्ट वाले यूनिट फर्स्ट से 1 मार्क्स ज़्यादा का है। तो लाजमी है कि इसमें अच्छे से करना होगा हमें। और देखते हैं सीधा, हम टाइम ना गवाए सीधा एक्सरसाइज पे इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं। तो देखिए, मैंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट टू की एक्सरसाइज खोल दी है, जिसमें आपको 2.1, 2.2, 2.3 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और रेड मार्किंग वाले हैं उतने ही देखिएगा, 2.7। और बात करें तो ये इधर आ जाइए, इधर आ जाने पे 2.21, 2.22, 2.23 और ये इधर 2.41 और एक है 2.50, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की इम्पोर्टेंट भी जान ली है आपने। अब हम अगले चैप्टर की बात करें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यूनिट 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता जताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी चिंता है क्योंकि 4 मार्क्स का है, लेकिन बाकी ऊपर वालों से कम है अभी। तो देखते हैं इसके भी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसकी एक्सरसाइज खोली है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी यूनिट 3 जो है आपका, इसमें आपका 3.1 इम्पोर्टेंट है, 3.3 और 3.13 और 3.16। और आगे बात करें तो ये क्या आपका 3.36, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ये कई बार पूछा गया है 3.36।
और बाकी ये इस पेज में भी है, तो आप लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं बता रहे, एग्ज़ाम्पल भी मैं बताऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 पे सीधा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ये भी टक्कर का चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारे केमिकल बॉन्डिंग और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन आपका पूछा ही जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इस चैप्टर का कनेक्शन सीधा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप में कनेक्शन है इस चैप्टर का, तो आइए बिना टाइम गवाए हम इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज पे सीधा, और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4.1, 4.5, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, और 4.7, 4.17 और 4.23, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका 100% समझ लीजिए पेपर में रखा ही हुआ है। 4.23 ये बहुत बार पूछ रखा है क्वेश्चन, और शायद फर्स्ट टर्म में भी पूछा गया था। और ये आप बात करें 4.35, 4.36, 4.37 और 4.38। तो फ्रेंड्स जितने भी मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में बाहर से आते नहीं हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि और सब आप छोड़ दीजिए, और सब भी एक्सरसाइज की आप ट्राई करिए, लेकिन ये जो मैं छाट के लाया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 4 मार्क्स का है, इसी के टक्कर का है यूनिट 4 के, लेकिन यूनिट 4 5 मार्क्स का था, और ये आपका स्टेट ऑफ मैटर 4 मार्क्स का है, तो ये भी टक्कर का है। इसमें भी हमें आइडियल गैस इक्वेशन और ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक्स काइनेमेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो हम सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अब स्टेट ऑफ मैटर यूनिट 5 की एक्सरसाइज पर सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए 5.3 आपका इम्पोर्टेंट है, 5.4, 5.9, 5.12, 5.17 और 5.20, 5.23, ये सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रेड मार्किंग से हुआ है, यानी इनके लिए खतरा है, इनको सबसे पहले लपेट लीजिए आप, क्योंकि पेपर के लिए बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ही आते हैं। देखिए केमिस्ट्री में डरने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से कर लीजिए आप, आराम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 6 मार्क्स का है, और ये यूनिट 4 और 5 का दादा बन चुका है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का हो चुका है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं, गिब्स एनर्जी जैसे हैं, और थर्मोडायनेमिक स्टेट भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और डेल्टा यू एंड डेल्टा एच ये कैलोरीमीटर ये मेजरमेंट वाला है, ये भी स्पॉन्टेनिटी भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये भी आपको आना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में कैसे होता है ये भी आपको आना चाहिए यूनिट 6। तो हम बिना टाइम गवाए पहुंचते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज पे, जो जिसमें आपको सबसे पहले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो एमसीक्यू तो मैं तो कहता हूं आप सारे कर लीजिए, बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे। और अब बात करें 6.7, ये इंपॉर्टेंट है, और 6.10 देखिए इधर 6.10 जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें रेड मार्किंग हुई है बहुत तगड़ी। और बात करें 6.19, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 6.19 के आगे आए तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पकड़े गए हैं, और आप इसमें तो मैं तो कहता हूँ इसमें ज़्यादा 19 क्वेश्चन है, आप ऑल 19 कर लीजिए, एक भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है। तो दोस्तों आप बात करें यूनिट 7 इक्विलिब्रियम, ये भी 6 मार्क्स का है, यानी थर्मोडायनेमिक्स की टक्कर में चल रहा है ये भी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम बात करें तो फिजिकल स्टेट इसकी पता होनी चाहिए, और यहाँ पर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजीनियस और रिलेशन बिटवीन के रिएक्शन कोशेंट एंड गिब्स एनर्जी, इसका रिलेशन पता होना चाहिए हमें, और बफर सॉल्यूशन ये भी आ जाता है कभी कदार। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो सारे ही लग रहे हैं मुझे तो। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट 7 इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज पे, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, और मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये 30 इयर्स का एक्सपीरियंस आप समझ लीजिए, क्योंकि वो अभी 60 इयर्स के हैं, और उन्होंने पढ़ाना बचपन से ही शुरू कर दिया था वो सर, जिन्होंने मुझे ये इंपॉर्टेंस बताए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को रेड मार्किंग नहीं दिखाई दे रही है, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस नहीं है। 7.2, 7.4, 7.5 ये आप कर लीजिएगा, और यहाँ से आप कर लीजिएगा 7.7, 7.11, 7.12, 7.13, 7.13 जो है वो भी थोड़ा धाकड़ लग रहा है हमें। लेकिन अब बात करें तो 7.19 इस पर रेड मार्किंग हुई है, आप लोग दोस्त देख सकते हैं, रेड मार्किंग क्वेश्चनों पर आपको पक्का पक्का इन्हें करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं।
ये देखिए इधर आके बात करते हैं तो 7.25, 7.26 और ये 7.28, 7.29 देखिए ये केवी केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट टर्म में 2017 में आ चुका है। और 7.30 भी कर लीजिए आप, इसका बी पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टर्म में आ चुका है। और फ्रेंड्स हम बात करें तो सी पार्ट भी इसका केवी में आ चुका है फर्स्ट टर्म में 2017 में, ठीक है। और बात करें इधर 7.35, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.41, 7.42। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो रेड मार्किंग हुई है वो आपको पक्का करना है। 7.46 इधर बात करें, 7.48 इधर बात करें, 7.55। और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट सारे चैप्टरों के, तो फ्रेंड्स मैंने आपको चैप्टरों के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। मैंने चैप्टर वाइज इसलिए बताया बुक में से क्योंकि हर एक बच्चे को मैं चाहता हूँ समझ में आए और वो अपने पेपर में 100% अपना दे। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 13 मार्च को 11th का क्लास 11th का 2017 और 2018 सेशन का पेपर है, इसलिए मैंने इसे बनाने की कोशिश करी है अपना टाइम निकाल के। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको फर्स्ट बुक का ऑल इम्पोर्टेंट बता दिया है, आप इसमें से कर लेंगे। और आप और अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे एग्जांपल नहीं बताया, एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि एग्जांपल जो है केमिस्ट्री में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल सारे चैप्टर के आपको करने हैं, सारे चैप्टर के करने हैं आपको, एक भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर जो छोड़ के जाएंगे वही आ जाएगा एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल आप सारे चैप्टर के करिए जो मैंने एक्सरसाइज में बता दिया है रेड मार्किंग करके, उसे आप आराम से कर लीजिए, पक्का आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब हम बात देखिए, आज हमने बात करी है केमिस्ट्री पार्ट 1 की क्लास 11th की। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मैं आगे भी आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा और आपके लिए नॉलेज लाऊंगा, A to Z नॉलेज। सब्सक्राइब करिए।